हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फाइवर के ऊपर जस्ट फोटोज एडिट करके $5 to $10 इजीली पर डे आप बना सकते हो। इससे ज्यादा भी आप बना सकते हो, आपके ऑर्डर्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा काम कर रहे हो डेली के अंदर और कितना ज्यादा आप काम कर सकते हो, कितना आप चार्ज कर रहे हो। बट नॉर्मली अगर आप 1 से 2 पिक्चर्स एक दिन में एडिट करते हो, आपको कोई ऑर्डर मिलता भी है, तो आप इजिली एक फोटो के $5 तो चार्ज करोगे ही। और आप 1 से 2 ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो आपको $10 आप इजिली बना सकते हो एक दिन के अंदर। काम क्या करना है आपको, मैं जो बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, आप वही काम अगर करते हो तो आपको जस्ट फोटो एडिट करनी होगी, उसके अंदर से आपने बैकग्राउंड इरेज करना है और इसके पीछे आपने व्हाइट बैकग्राउंड या कुछ भी ऐसा बैकग्राउंड जो क्लाइंट कहता है वो आपने लगा देना है और कुछ आपने कलर इन्हेंसमेंट कर देनी है उस फोटो की और आपके जो काम पूरा हो जाएगा। और इस तरह से आप इजिली एक दिन के अंदर जितनी भी फोटोज एडिट करोगे उसके हिसाब से आप $5 पर इमेज आप चार्ज कर सकते हो। तो आपको पूरा मेथड बताऊंगा इस वीडियो के अंदर और मैं भी अपना भी ऑर्डर दिखाऊंगा कि मैं कितना काम करता हूं और बेसिकली मैं कितना टाइम लगाता हूं एक फोटो के ऊपर। सो विदाउट टाइम हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके, तो यहां पर मैं अपने फोटोशॉप के ऊपर आ चुका हूं। तो सबसे पहले मैं आपको चलकर दिखा देता हूं अपना ऑर्डर्स के मुझे कितना ऑर्डर मिला हुआ है। अभी आप देख सकते हो कि यहां पर टोटल प्राइस जो है इस ऑर्डर की है $40 और इस $40 के अंदर मैंने जस्ट 8 फोटोज को एडिट करना है। और आपको पता है कि जो मैं बैकग्राउंड रिमूव करता हूं, इससे पहले मैंने भी वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, मेरा तकरीबन जो काम होता है तकरीबन 5 से 10 मिनट लगते हैं मेरी एक फोटो के ऊपर मैक्सिमम। मिनिमम 5 मिनट के अंदर भी कर देता हूं बैकग्राउंड रिमूव करना होता है बेसिकली। और वो मैं फोटोशॉप के अंदर आपको एक टूल बताऊंगा, एक ऐसा एक टूल है जिसके अंदर आप ऑटोमेटिकली आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा इमेज के अंदर से। तो चलते हैं अभी फोटोशॉप के ऊपर और मैं आपको एक पिक्चर वहां पर एडिट करके दिखाता हूं और बेसिकली आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे मैं एग्जैक्टली इस ऑर्डर की जो इमेज एडिट करता हूं और क्लाइंट को भी पसंद आती है, उसका जो नीड होती है वो पूरी हो जाती है उसके अंदर। तो चलते हैं फोटोशॉप के अंदर और ये है हमारा फोटोशॉप और इस तरह की इमेज होती है। फॉर एग्जांपल अभी इसके पीछे जो बैकग्राउंड है आप देख सकते हो प्योर व्हाइट बिल्कुल नहीं है, ये थोड़ा डल सा है। क्लाइंट को बेसिकली जो बैकग्राउंड चाहिए होता है वो होता है प्योर व्हाइट चाहिए होता है, ये थोड़ा ग्रे टाइप है। तो अभी यही काम मैं करने वाला हूँ, मैं क्या करूँगा इसका जो बैकग्राउंड है इसको इरेज कर दूंगा और इसके पीछे जो प्योर व्हाइट बैकग्राउंड लगाना है मैंने, जस्ट इतना ही मेरा काम होता है। अगर कोई इसको बैकग्राउंड और भी चाहिए होता है तो मैं लगा देता हूँ, उसके बाद मुझे थोड़ी सी फिर कलर ग्रेडिंग करनी पड़ती है, उसके साथ मैच करना पड़ता है अपने सब्जेक्ट को, जो हमारा बैकग्राउंड होता है उसके साथ अपने सब्जेक्ट को मैच करना होता है। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस मेरा जो होता है वो व्हाइट कलर होता है, तो व्हाइट के ऊपर मेरा जो है ना इतनी मुझे कलर इन्हेंसमेंट नहीं करनी पड़ती। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप फोटोशॉप के अंदर ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो, जो कि मैं करता हूं, तो आप उसको कैसे कर सकते हो, उसके लिए आपको जस्ट आपके पास फोटोशॉप 2021 का होना चाहिए या इससे हायर मॉडल होना चाहिए आपके पास। 2021 के ऊपर का वेरिएंट होगा तो ही आपके पास ये फीचर होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो फोटो होगी इसको आपने इस तरह से, अगर आपके पास कोई लॉक आ रहा है या कोई भी अगर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल कोई इस तरह की ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर इस तरह का आइकन बना होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का, तो आपने इसको सबसे पहले इसको राइट क्लिक करके इसको रेस्टराइज कर लेना है। रेस्टराइज नहीं करेंगे तो हमारा टूल वर्क नहीं करेगा, इसको रेस्टराइज कर लेना। उसके बाद आपने चले जाना है यहाँ पर क्विक एक्शंस के अंदर। अगर आप प्रॉपर्टीज के अंदर जाओगे आपको यहाँ पर क्विक एक्शंस का एक नजर आएगा डायलॉग बॉक्स, आपने यहाँ पर इसके ऊपर चले जाना है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आपने क्या करना है, यहाँ पर हेल्प के अंदर जाना है और यहाँ से आपने फोटोशॉप हेल्प के ऊपर चले जाना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ से मुझे आप नजर आ रहा है क्विक एक्शंस और मैं यहाँ पर क्विक एक्शन के अंदर चला सकता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4-5 फीचर्स हैं जो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ब्लर भी कर सकते हैं बैकग्राउंड को, बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। अगर आप अपने पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो आप ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हो जस्ट अपने सब्जेक्ट के अलावा। अगर आपका बैकग्राउंड आप चाहते हो कि बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए बट आपका सब्जेक्ट सेम रहे कलरफुल रहे तो आप यहाँ पर वो भी कर सकते हो। और उसके अलावा अगर इमेज को इन्हेंस करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। सो बेसिकली मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहाँ पर मैं जाकर इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेता हूँ। तो मोस्ट ऑफ द केसेस ये टूल वर्क कर जाता है, अक्सर नहीं करता तो मैं फिर पेन टूल के थ्रू भी ये कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इसके थ्रू ही ट्रैक कर देखते हैं। तो मैं यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे तकरीबन 10 to 15 सेकंड्स लगे होंगे और खुद ब खुद इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। अगर आपके पास सिस्टम अच्छा है, उसके अंदर आपका प्रोसेसर अच्छा है, तो आपकी जो बैकग्राउंड की ये स्पीड होगी ये काफ़ी अच्छी हो जाएगी। बट नॉर्मल भी 10 to 15 सेकंड्स लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, तो मैं इसको सॉल्व खुद भी कर सकता हूँ क्योंकि एक मास्क बना देता है यहाँ पर। और मास्क को अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट ब्रश से पेंट करोगे तो आपके कलर्स व्हाइट से आपके कलर्स रिवील होते हैं और ब्लैक से आपके कलर हाइड हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर इसको मैं सेट भी कर सकता हूँ
सकता हूँ। तो इस तरह से मैं करता हूँ। अब मुझे अगर व्हाइट बैकग्राउंड लगाना है पीछे, तो मैं यहाँ पर लेयर्स के अंदर जाऊँगा, एडजस्टमेंट लेयर के अंदर, और मैं यहाँ से सॉलिड कलर ले लूँगा एक व्हाइट कलर का, और इसको यहाँ पर इस तरह लगा कर इसकी लेयर नीचे कर देंगे। तो अभी तो मैंने जल्दी जल्दी किया, तो इतना कोई खास बैकग्राउंड रिमूव हुआ नहीं है, बट मैं थोड़ा सा टाइम लगाता हूँ, 5 से 10 मिनट, और अच्छे से बैकग्राउंड रिमूव करके देता हूँ, ताकि क्लाइंट जो हमारा खुश हो, आगे भी काम देता रहे मैं। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और तो अगर आपने यहाँ पर कलर टोन थोड़ी सेट करनी है, आपका जो इमेज है उसके अंदर कलर्स कुछ और हैं, आपके बैकग्राउंड के अंदर कुछ कलर्स और होते हैं, तो आप उसको भी कर सकते हो। आप यहाँ पर सिंपली एडजस्टमेंट लेयर्स के ऊपर जाकर यहाँ पर कलर बैलेंस की लेयर ले सकते हो, और जो भी आपने कलर चेंजिंग करने हैं आप कर सकते हो। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको गाइड किया इसके बारे में कि आप कैसे फाइवर के ऊपर फोटोज एडिट करके इजिली $5-$10 आप इजिली एक दिन में बना सकते हो। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।